रियल भी माना गया है, रियल अर्थात सत्य। तो सत्यता की शक्ति ये महान शक्ति है। बाबा हम बच्चों को सत्य बना दें, कहते हैं सोना होता है, कहते हैं रियल सोना है, रियल मान के सच्चा। तो बाबा का गायन क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा सत्य है और वो हमें सत्य सिखाता है, हमारे अंदर वो सत्यता भरता है। तो हम आत्मा ही जो है उस सत्यता को कहाँ तक अपने जीवन में धारण करते। तो वो जो सत्यता है जो हमें, मैं कौन हूँ इसकी सत्यता, इसकी अनुभूति हमें कहाँ तक होती है। सत्य ये जो है ये अविनाशी है, सत्य जो है ये सर्वश्रेष्ठ गाया जाता है। तो इसीलिए हमारी जो वाणी है वो भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सत्य बोलो, हमारी वाणी में सत्यता चाहिए। सत्यता के बगैर हम सच्चे नहीं बन सकते, संकल्पों में भी सत्यता हो, वाणी में भी सत्यता हो। तो जितना जितना हमारे अंदर वो सत्यता आती जाती है, हम आत्माएं बाप की याद के द्वारा सच्चा सोना बनती जाती है, हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सच्चा सोना बनाने के लिए आया हूँ। तो उसकी याद से क्या होता है, हम आत्माएं सत्य बनती जाती है, सत्य का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। तो बाबा सत्य है, बाबा रियल है, हम बच्चे भी रियल, हम बच्चे भी सत्य है। तो उस सत्यता को हमें सदैव साथ में रख कर के चलना है। और हमेशा देखो सत्यता के लिए क्या गायन किया जाता है, सत्यता के लिए गायन करते हैं। अगर सत्य का मतलब है स्वच्छ साफ, अंदर बाहर एक, ऐसा नहीं अंदर एक और बाहर दूसरा। बाबा बहुत बार हम बच्चों को कहते हैं, आप मम्मी में सुनते होंगे कि अगर बच्चे तुम्हारे से कोई भी भूल होती है ना, आप बाबा को बता सकते। बाबा को सत्यता बड़ी प्रिय लगती। हमारे बच्चे तक से याद है, एक बार वहाँ हमारे पास से बॉम्बे से एक माता आई थी, साकार बाबा थे, मिलने के लिए बाबा के पास। तो वो आने के बाद, यहाँ आने के बाद सतगुरुवार के दिन हमेशा शुरू से लेके अपने पास रात को खीर बनाते। तो उसने जब खीर खाया, खीर सामने आई तो उसको बच्चा बड़ा ज्यादा है, वो देखो क्या होता है पता है। तो बाबा भूल गया उसको बच्चा ज्यादा है, फिर उसको सारी रात नींद नहीं आई, उसका एक ही लड़का था, छोटा बच्चा था, उसको छोड़ गया। तो उसको ऐसा लगा मैं बाबू जाऊँ, उसने तो खाई लेके चली ने खीर, और बच्चे को खिलाने के बगैर कैसा खाते, बच्चे को बहुत अच्छी लगती थी खीर, इसलिए बच्चा ज्यादा है। तो फिर क्या किया, सवेरे जब हुई बाबा क्लास में आ रहा था, तो ये भागती भागती आई बाबा के पास, बहुत शादी थी बेचारे, भाग भाग के बाबा के पास आई और रोना चालू कर दिया खड़ा होकर। अभी आप ये देखेंगे आपको ऐसा लग गया है इसको कोई याद नहीं है, कोई समझ नहीं है। बाबा को कहने लगी देखो बाबा मेरे को ना बहुत, मेरा करण कानू नाम था उसका, मेरे को बहुत याद आ रहा था, मैंने रात को खीर देखा ना तो मेरे को बहुत उसकी याद आई, मेरे को वापस जाना। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची जाने का घर में, तो किसी को बुलाया, वहाँ एक भाई खड़ा था उसको बोला अभी जो पहली ट्रेन होगी ना उसमें बिठा करके इसको वहाँ पे भेज दो, क्योंकि इसको बच्चा बहुत याद आ रहा है, दुखी हो रही है। अभी ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है उसके बारे में, हम लोगों को क्या लगेगा बताओ, हमको भी ऐसा लगेगा क्या इसकी अवस्था है, हाँ नहीं, हम ऐसा ही समझते हैं क्या है इसकी अवस्था। परंतु वो जब वहां से गई तो बाबा ने कहा देखो ये बच्ची कितनी सच्ची है, इसमें कितना सत्यता तो गुण है। बाबा ने कहा, बाबा देखो कैसी विशेषता देखता था, इसमें कितना सच्चाई का गुण है, इसके अंदर जो था इसने सारा बाबा को बता दिया। अच्छी अच्छी महारथी छुपाती है, परंतु ये तो लड़की बच्ची नंबर वन निकली। हम बोला ये अच्छा नंबर बनाने का अच्छा तरीका। तो बाबा मतलब हम बच्चों को प्रैक्टिकल में बताते थे कि सत्यता क्या होती है,
बाबा की अवगुण में से भी बाबा हमेशा गुण उठाने वाला, तो बाबा को हमेशा सत्यता अच्छी लगती है, इसलिए कहा जाता है सच्चे दिल पर साफ राशि। दिल साफ तो मुराद हासिल, अगर दिल साफ होगी तुम्हारी तो तुम्हारी जो भी मुराद है अर्थात तुम्हारी जो भी अच्छी इच्छा है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो सत्यता के राह पर चलने वाले सदैव उसकी स्थिति कैसी होगी, क्या कहा जाता है सच तो मीठो नच। जो सत्यता पर चलते हैं वो सदैव खुशी से नाचते रहेंगे। अब कोई शरीर से नाचने की बात नहीं है, ये मन के नाचने की बात, क्योंकि सत्यता पर चलने के बाद उनमें इतना हल्का बना जाएगा जो सदैव क्या रहेंगे, खुश रहेंगे और डांस करते रहेंगे, उनका मन सदैव नाचता रहेगा। आप एक झूठ के झूठ बोल के देखो, उसे झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा और आपको भारीपन आ जाएगा, परंतु सत्य अगर होगा तो क्या होगा, सदैव हल्के रहेंगे, सदैव खुश रहेंगे। तो बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को बताया, रियलिटी की जो रियलिटी है वो तुम बच्चों को अपने जीवन में जरूर धारण करने चेक करना है कि मेरे अंदर वो रियलिटी की रायल्टी कितनी आई। जितनी जितनी हमारे अंदर रियलिटी की रायल्टी आती जाएगी तो जो हमारा अनरायल है संस्कार वो क्या होगा, स्वतः ही मिटता जाएगा।